बुढ़वा मंगल पर महायोगी भगवान गोरखनाथ को ब्रह्म मुहूर्त से खिचड़ी चढ़ाई गई। सुबह 4 बजे से ही खिचड़ी चढ़ाए जाने का क्रम शुरू हो गया। इस मौके पर मंदिर में खिचड़ी भंडारा भी हुआ। गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मकर संक्रांति की पूर्व संपन्न विद्वत परिषद की बैठक में ही निर्णय हुआ था कि 15 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के बाद आने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। ये संयोग है कि इस बार मकर संक्रांति और बुढ़वा मंगल दोनों ही पर्व मंगलवार को पड़े। मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने बताया कि बुढ़वा मंगल के दिन मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी चढ़ाना उतना ही पुण्यकारी होता है जितना मकर संक्रांति के दिन। कालांतर से बुढ़वा मंगल की परंपरा चली आ रही है। इस दिन दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं। ऐसे श्रद्धालु जो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी नहीं चढ़ा पाते हैं, बुढ़वा मंगल का खिचड़ी चढ़ाने के लिए इंतजार करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल से आए श्रद्धालु भी इस दिन बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा दर्शन एवं पूजन कर पुण्य कमाते हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस की सुरक्षा इंतजाम के अलावा गोरक्षपीठ ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सेवक की तैनाती की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के मीडिया प्रभारी विनय गौतम और मंदिर व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने कहा, अपने सामान की मंगल पर आज मकर संक्रांति के बाद बुढ़वा मंगल का महत्व है, इसके वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ाते हैं। उनकी मान्यता है कि बुढ़वा मंगल पर खिचड़ी चढ़ाने से उनके घर में धन्य धान भरा रहता है। अब मेले में भी भीड़ रहता है और आज के दिन तो खासकर शहर वासियों के लिए अच्छा दिन रहता है। आते हैं लोग यहाँ मेला में, इंजॉय करते हैं, खिचड़ी भी चढ़ाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ भारी संख्या में 10 श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष, बाल बच्चे सब लोग अपना महायोगी गोरखनाथ जी को बुढ़वा मंगल के अवसर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अभी तक तो ऐसा सभी सूचना यही मिल रहे हैं कि सुविधापूर्वक लोग दर्शन पंक्तिबद्ध होकर करते जा रहे कर रहे हैं लोग। किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को नहीं है। बुढ़वा मंगल मकर संक्रांति की भांत जो पुण्य
मकर संक्रांति के अवसर पर होता वही पुण्यकाल बूढ़ा मंगल का महत्व है। इस अवसर पर सभी लोग विधि विधान से सारे दर्शनार्थी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने अपने घर को लौट रहे हैं।